जय माता की तन साहब। जी जय माता की। अच्छा नागर साहब, आपको पूरा नाम क्या है? जगदीश नागर जी। जी, और प्रॉपर आप कहाँ से हैं? प्रॉपर तो ग्रेटर नोएडा के हैं, रहने वाले हम दिल्ली में। हाँ, रह रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में 30 साल से। अच्छा अच्छा तो आप लंबे समय से वहीं, तो अब तो दिल्ली वासी हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये आप पंडुक हसान कब गए थे? पंडोगल उसमें गए फरवरी में, 8 फरवरी को। अच्छा, ये 2022 में? 2022 में जी। जी, तो ये आप वहाँ पर गए होंगे तो रसीद वगैरह कुछ कटानी पड़ी होगी? हाँ जी, रसीद कटाई थी वो उसकी अर्जी की। हाँ, कितने की? हमें जल्दी आना था, हम दूध का काम करते थे तो हमारे पास टाइम नहीं था। 11,000 की कटाई में जल्दी टाइम नंबर आ जाएगा हमारा। अच्छा अच्छा तो कई दिन में नंबर आ गया था? जल्दी फिर भी नहीं आया, फिर भी 6 दिन पर आया, 6 दिन हो पड़े रहे। 6 दिन में आया? हाँ जी। तो आप वापस आ गए होंगे, वहाँ रुके रहे? वापस नहीं आए जी, वहीं रुके रहे। अच्छा, वहीं रुके रहे। तो 6 दिन बाद फिर आपका नंबर आया होगा, तो एक तो हाल में मिलते हैं, एक बगल में कमरे में मिलते हैं। बगल में कमरे में मिले जी। अच्छा, हाल में नहीं मिले आपसे? दरबार में मिले, हॉल में जो ऊपर बन रहा हॉल उसमें मिले थे। अच्छा, उसमें हॉल में मिले हैं जिसमें उनका दरबार लगता है? हाँ हाँ, दरबार अलग लगता है, दूसरी जगह। अच्छा, दूसरी जगह मिले, मतलब पर्सनली? हाँ हाँ, दरबार लगता है बड़ा सा, मेरी गैरेज जो उसमें, और ये हॉल एक कमरा, ये बड़ा सा, उसमें 20-30 लोगों को घुसेर लेते एक बार में। अच्छा अच्छा, तो उसमें तो फिर बुलाते रहे को। अच्छा अच्छा, तो आपकी जो भी समस्या होगी तो आपने बताया होगा या उन्होंने फैसला क्या किया? मेरी मेन समस्या तो थी, एक मेरी बेटी थी। अच्छा। शादीशुदा, उसके दो बच्चे थे, बीमार थी। अच्छा। बीमार का ऐसी बीमारी, डॉक्टरों को हाथ नहीं लगी। हाँ। कहीं कहीं कोई कह लगा तुम पंडो घर चले जाओ, ठीक हो जाएगी, बता देंगे। अच्छा, तो लड़की के विषय में कुछ नहीं बताया, गोल मोल कर दिया। अच्छा, फिर लास्ट में फरवरी मार्च में वो एक्सपायरी होगी। तो बिटिया के लिए तो बताया होगा कब सही हो जाएगी? जैसे कुंडली में पूरा भूत बाधा का हुआ है, पूरे घर पे साया आपके पे, ऐसे बोल दिया, ऐसे गोल मोल कर दिया। तो ने बिटिया के सही होने की बात नहीं बताई, कब तक सही हो जाएगी? कुछ बात ही नहीं करी, बस भूत बाधा का सारा पूरे घर पे धीरे धीरे सही हो जाएगा। अच्छा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने फिर उपाय वगैरह बताया होगा? उपाय का 3 नारियल, 3 रामायण हवन, ये उपाय बताया। वो पांच अमावस्या पुष्पावती गंगा नदी में आपको हर महीने आना अमावस करनी है। अच्छा, तो फिर इसके बाद फिर जो जो उन्होंने बताया तो आपने वो सब किया होगा? मैंने किया। मैं फिर मार्च में गया, 7 मार्च को अगले महीना। हाँ। तो मैं सुबह मंदिर में बस पूजा वूजा करके ही निकला बाहर को, चाय पीने का मन था, और इतने में फोन आ गया दिल्ली से, सुबह 10:30 बजे वो बिटिया एक्सपायर हो गई। ओहो, तो क्या अमाउंट कर पाया? प्राइवेट गाड़ी 10,000 में करके शाम तक घर पहुंचो, तब उसको दाग लगाया। ओहो, तो ये आप क्या अमाउंट से कर चुकी थी? मैंने तो सारी कर दी थी, और बंद करके एक अर्जी की, और 5, 6, 7 बार चला वो, मैं अगस्त तक गया हूँ, अगस्त तक। अच्छा, वहाँ मतलब पूरा आपने किया है, और वो जो उन्होंने हवन वगैरह और सारा कुछ वो भी करिया? हवन बाकी रह रहा था, मैंने रामायण भी करवा दी, नारियल भी बन दिया, और वो जो है हवन की 6 दिसंबर डेट थी। मैं फिर ये वीडियो देख देख के ना आपका, फिर मेरा मन भर गया, फिर मैं गया नहीं। 5,000 एडवांस जमा कर रखे, डेट ले ली, और मुझे 16-17 हजार देने थे, फिर मैं गया नहीं, ना मैंने दिए ना मैं गया। अच्छा, तो हवन के भी तो जमा तो करवाए होंगे, तब तो डेट मिली होगी? थोड़े 5,000 एडवांस करवा के डेट ले ली थी। अच्छा, तो मतलब 6 दिसंबर की मिली थी, इसके पहले घटना हो गई? हाँ जी, घटना तो मार्च में होगी जी। तो जब मार्च में घटना हो गई तो फिर व्यक्ति क्यों करेगा? फिर मैंने गुप्ता जी को फोन मिलाया अभी 3-4 दिन पहले, जब आपको डाली थी पर्ची। हाँ, जो गुप्ता जी हम पर पर्ची काटते हवन की। हाँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, निकल गई तो आप 25 को आ जाना, यानी कि वो तो हम तुम्हें अब नहीं मिलेगा टाइम, अब डेट निकल गई, कह रहे 25 को आ जाना। अच्छा, 25 दिसंबर को, मतलब फिर आप हवन करवा लो, बकाया पैसे दे दो। वो कह उन्होंने कहा बकाया जमा करके 25 तारीख को करवा लो, 25 को आ जाओ, 25 दिसंबर को। नहीं तो जैसे 25 दिसंबर करवाएंगे तो कहा बेटिया वापस आ जाएगी? कोई भी ना आ पे वापस, मुझे दिख नहीं रहा। नहीं तो जब जो चला गए वो कैसे आ जाएगा? मैं नहीं गया जी सर। तो फिर तो जाने कोई मतलब ही नहीं, जब भाई
जिस उद्देश्य से आप यहाँ जा रहे हैं, सही होने की आप बात कर रहे हैं, सही होने की अपेक्षा वही मरीज चला गया तो क्यों जाए कोई? और तीन चार बार तो उस लड़की के एक्सपायर होने के बाद भी मैं चला गया, बंद करके पूरे घर पर भूल बाद होता रहा कि बल्कि चलो औरों को भी इसमें से निकालू दुविधा में से इस चक्कर में, मेंबर हैं इसमें लपेटे में तो सब उनको भी निकालू इसमें से। तो आपको क्या लगता है वहाँ ये सब सही सही चल रहा है कि ये ढोंगबाजी है, सब ढोंगबाजी है, लुटाई हो रही है खूब तगड़ी दब गए, क्योंकि जो इतना व्यवहार गलत है सूधे में कोई बात नहीं करते, बदतमीजी से बात करते हैं सब। अच्छा तो गुर्गे जितने गुर्गे हैं ना, सोनू मोनू बॉडी गार्ड फ्रंट गार्ड जितने कर्मचारी है ना, सारे उल्टे उल्टी सुल्टी बात करते, सीधी मुंह बात नहीं करते। अच्छा मानवता की कोई बात नहीं है, मानवता की कोई बात ही नहीं है, नारी धमका देते हैं लोगों को जो परेशान करते रहते हो। अच्छा जो व्यक्ति परेशान है वो तो कुछ तो कहेगा। अब हम जाके जो ना 100 रुपया नाइट के दिए हमने, अब दो दो एक नाइट लग जाती थी रिमावस करने में हमारी, तो हम 150 रुपया देते थे खपरेल के घर में नीचे जमीन में लेटे खाना खा ले थाली को मिलता था 70 रुपये बाहर जाकर। तब तो आपको तो मतलब पर्याप्त खर्चा हो गया होगा। हाँ जी खर्चा 85,000 रुपये का होगा। बताइए 50,000 हो गया, मतलब अपना व्यक्ति भी चला गया तो वहां तो कह दिया जाए कि धर्म के नाम से फिर पूरी लूट मची हुई है। बिल्कुल मची हुई है जी सर, इन्होंने तो जो ना वहाँ ऐसा चल रहा होगा वहाँ रोड़ी बदलपुर ईट ऐसा आ रही है जैसे कोई बड़ी तकड़ी फैक्ट्री में गोदाम हो ना, वैसे ढेर लगे रहे मालो की धड़ा धड़। ठीक है उन्हें जो मंगाना मंगाए, किसी व्यक्ति का जो जिसके नाम से पैसे ले रहे हैं उसका काम तो कर दें। ना जी कुछ काम नहीं है। अच्छा वो जो ना जैसा नहीं मामला, बस एक 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 मिनट भी पूरी देते नहीं है, किसी को बुला लेते हैं ना फटाफट उसे एक दो बात दर्शन करे फिर भागो भागो डाटा खत्म चलो भागो भागो। ये तो कोई बात नहीं, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 60+ है जी। बताइए 60 साल या 62 साल के व्यक्ति हैं तो एक भाई एक वरिष्ठ तो है जी, बुजुर्ग नहीं तो वरिष्ठ तो है, तो इतना भी नहीं बनता है कि मतलब आप कायदे से बात करें, डाटा खत्म कहेगा डाटा खत्म, हर किसी से डाटा खत्म चलो। ये तो आपकी है और वो जैसे कोई लड़की वटकी जैसे कई भी हमारे सामने आए बुलाई आई है शादी कैसे होगी वैसे होगी, तुम्हारा लव अफेयर उससे चल रहा है फलाना उससे चल रहा है, मतलब ऐसे ओपन वीडियो बनवाते रहे। ये क्या बात है? ऐसे मैंने कितनी लड़कियों औरतों के साथ सुना बताइए। तो ये तो आप किसी की जाति मामले को उछाल सकते हैं क्या सामाजिक तौर से? वो तो पूरी तरह खुले आप उछालते हैं, तो ये तो बहुत गलत है इस हिसाब से नागर जी। हाँ ओपन नाम लेते हैं, तुम्हारा लवेर उचल रहा है फलाना नाम है वो ठिकाना नाम है उससे बंद कर दो इससे बंद कर दो, खूब ओपन करते हैं। ये तो बहुत गलत है, तो कह दिया जाए आप किसी के जीवन से खेल रहे हैं जी। मेरे पास भी एक फोन आया था कि उस लड़की ने तो किसी लड़की ने आत्महत्या तक की कोशिश की थी, उन्होंने इस तरह कह दिया था। बिल्कुल कितनी 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 को कह चुके थे हमने अपना कई दिन दरबार में बैठ कर देखा सब सॉन्ग इनका जो सब ड्रामा देखो, हम दरबार में रात को हम कई बार गए बहुत सुझाव एक तो 2-3 घंटा हम भी दरबार में चले जाते थे रात को लगाते थे। तो उस हिसाब से तो पुरुषों का तो सम्मान है नहीं, महिलाओं का भी सम्मान नहीं है ना जी ना, वहाँ मतलब पैसे का सम्मान है बस, जो पैसे खर्च कर रहा हो ठीक वही ठीक है। मतलब ये तो कमाल हो गया, पैसे से अलावा इन्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा, अमीर गरीब से कोई लेन देन नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं, वो उनका भंडारा चलता है उसके लिए भी वो डलवा लेते हैं, उसमें जो पर्ची का अमावस कटती है कोई भंडारे के लिए डाल दो, उसको दो आदमी जब जावे 150 तो डाल ही दे। हाँ एक टाइम चावल और वो कढ़ी वगैरह खिलाते हैं खुले में, और एक टाइम वो पूड़ी कच्ची पक्की और आलू की सब्जी बैठा देते 400-500 आदमी एक साथ ही ऐसी। अच्छा तो हमें तो एक दिन खाया उसके बाद में अच्छा नहीं लगा, फिर हमने बाहर से खाते रहे। तो मतलब कुल मिला के जो भी उनकी सोच है तो केवल पैसे पे टिकी हुई है जी।
और किसी की बेइज्जती कर दे उन्हें कोई परहेज नहीं है, नहीं कोई गुरेज नहीं है। और ये भी आपने सुना होगा देवी देवताओं के लिए भी कुछ भी कह देते हैं। हाँ खुले हम अपने आप को मानते कि मेरे पास संबंध पड़े। तो ये तो कह दिया जाए कि कलयुग में तो बहुत बड़ी विडम्बना है, तो इन्होंने सनातन धर्म को ही हाथी पे लाग खड़ा कर दिया है। विडम्बना इन्हें जो ना देखो इतनी खुली छूट मिल रही है कि जैसे आसाराम रामपाल ये वगैरह वगैरह जो कही गए जेल में, उसकी तरह इन्हें इनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, सरकार से जागना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहे, शासन प्रशासन को जागना चाहिए और जांचें होनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी परिस्थिति आए उसका दंड मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नगर जी। बताइए मैं आपकी ये ऑडियो जो है इसकी वीडियो बना के मैं यूट्यूब में लोड करूं? हाँ कर दो, कहीं भी मुझे कुछ गुरेज नहीं है, कम से कम समाज के दूसरे लोगों को यह बात पता चलेगी और देखेंगे तो बचेंगे। अनभिज्ञ तरह से अभी जा रहे हैं लोग खूब, वो तो बचे हैं। हाँ वही लूटने से बच जाए भाई आपके साथ। अभी तो जो एक चेला है वहाँ बागपत के पास में खेकड़ा है। हाँ तो उस गांव में उसके पास भी मैं गया बीच में एक दिन, एक आदमी मेरे को इसको चेला बैठता हूँ ये करता हूँ करता, तो उसने भी टू कॉपी ऐसी कर ला के हवन 7,000 को लिख देता हूँ हवन, उसके हर संडे में जो हो ना दस पांच पार्टी हवन करवाती रहे संडे में करता हूँ, तो फिर वो भी चूक बता दे तो मतलब शाखाएं भी खोल रखी हैं लेगा, फिर कुछ ऐसी बता देगा, फिर ऐसी हम कहेंगे ऐसे तो है ही नहीं, जो अच्छा अच्छा फिर घुमाएगा बात है फिर बंद करेगा। ये गुरु शरण जो अभी 3-4 दिन पहले मैंने सुना उसके पास भी आया हूँ अपने चेले के पास, मतलब क्यों आया हूँ अच्छा बागपत में। तो फिर ये क्या है मतलब कह दिया जाए कई शाखाएं बना रखी हैं? शाखा बननी है जी, कई ऐसे ऐसे चेले तो बहुत है इसकी कई जगह है, तो मतलब देख लिया खुद अपनी आंखों से जाके। तो फिर एजेंट है इनकी कमाई के, इनको हिस्सा पत्ती हो तो होगा जरूर उसमें, बिल्कुल होगा वो तो कहने की बात ही नहीं, इनके नाम पे इनकी तरह ही करते हैं वो सब कुछ, फलाना भवन फलाना नारियल फलाना ठिकाना सब वो नकल है इनकी। तो फिर तो गुलशरण जी की हूँ तो कई जगह इन्होंने ठगाई के रास्ते बना रखे हैं। हाँ अलग अलग कई जगह मैंने कई जगह सुना कई स्टेट में इसका है। हमारे यहाँ तो बागपत में हमारे पास में 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा उनका उनका नाम कुछ है? इनकी लाइन लग जाती है तो आज में 15-15, 20-20 लोग आ जाते हैं, तो वहाँ हर हफ्ता कम से कम 50,000 से ज्यादा लाख रुपए को बैठ जाता। अच्छा उसका नाम क्या है? नाम तो मेरी ध्यान नहीं है फिलहाल, मैं पता करके बताऊंगा। जी जी तो उन्होंने भाल हमसे भाल खेत उनका उस खेत में बाउंड्री करवा के बीच में मकान बना रखा बड़ा सा नया मकान, काम चल रहा खूब आ रहे हैं खूब बढ़िया तरीके से, मकान मकान गाय वाय रखे दूध भी है मौज ले रहा हूँ। तो ये तो समाज के बीच में बहुत गलत चल रहा है नागर जी, इसमें कई लोग मोटा खर्चा नहीं करते हैं जैसे पंडोखर जाने का, तो वो सोचते हैं यार पास में खेकड़ा एक ही बात है, गुरु नहीं मिला तो चेला मिल गो। तो ऐसे यहाँ हो रहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं आपकी वीडियो बना के डाल रहा हूँ जिससे दूसरे लोगों के ऊपर इस जानकारी जाए और वो लोग बच सके। ना बिल्कुल डाल दो जी, मुझे कोई गुरेज नहीं है जी, मैं जितना आपका सपोर्ट होगा आपके साथ में करूँगा। जी 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 ठीक है नागर जी, मैं वीडियो बना के आपको भेजूंगा। जी ठीक ठीक है नागर जी, जय माता दी जय माता दी जय माता।